तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। और अभी देखिए, ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है और अभी मेरा नहा धो के सारा काम निपट गया। जैसे नहाने के पहले जो कपड़ा वगैरह होता है ना, घर वॉश करना, वो सारे काम निपट गए और अभी मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ। तो अभी मैंने देखिए आज ये पीली वाली साड़ी पहनी है और उसके बाद देखिए ये मेरा क्रीम ख़त्म हो गया, तो ये मैं एलोवेरा जेल जो होता है ना, केसर वाला, तो वही लगा लेती हूँ चेहरे पे। क्योंकि क्रीम तो मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं यूज करती, फेयर एंड लवली ही यूज करती हूँ और आज ना वो मेरा एकदम ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने एलोवेरा जेल भी ख़त्म ही हो गया, लेकिन है थोड़ा थोड़ा सा है, तो 4-5 दिन चलिए जाएगा मेरा, तो बस उसी में से लेके अभी मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद देखिए, मैंने सर में ना तेल डाल के रखा था, मेरा 3-4 दिन हो गया सर में तेल डाले, तो बाल देखिए एकदम चिपचिप हो रखा है पूरा, और पूरा चिपकू हो रखा है पूरा, देख सकते हैं आप। तो अभी ना मतलब तेल में इसलिए लगा, घर के बाहर जो ये केले का पेड़ है ना, तो आज मैं बृहस्पतिवार है तो वहीं पे मैं अपना पूजा करने आ गई। तो ये पेड़ ना नीचे से सूखा हुआ है, ऊपर से पूरा हरा है, तो ये काफ़ी उपाय ऊपर था और इसमें ना केला भी उगता है, जो छोटे वाले केले होते हैं ना, वही वाले कांदी केला जो होता है ना वही, तो हम लोग इसमें बहुत बार खाए भी है। जब लॉकडाउन का समय था ना, तो इसमें बहुत सारे केले हुए थे और बहुत ही अच्छे थे, तो हम लोग ने खाए भी थे इस मतलब पेड़ के केले। और अभी देखिए मैं इनका पूजा कर रही हूँ और आज बृहस्पतिवार है, तो मैंने मेरा मन हुआ तो आज मैं जाके ना पूजा करके आ गई थी। तो पूजा में मैंने हल्दी, किशमिश और चने की दाल यही सब लिया था। और पहले मैं किया करती थी बृहस्पति भगवान का जो व्रत है ना, बहुत साल पहले किया करती थी और लगभग 10 साल हो गए, मेरा छूट गया है। और पहले तो मैं कुंवारी थी ना, तब भी करती थी, शादी के बाद भी किया करती थी। तो उसके बाद देखिए मैं घर में आके भी पूजा कर लेती हूँ और घर का मेरा पूजा अभी मतलब भोग उग लगा दिया मैंने, उसके बाद मैंने धूप काठी वगैरह दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए मैं मुँह से जो मेरा मुँह चल रहा ना, तो मैं आरती गा रही थी इस टाइम पर। तो जो घर में जैसे सबका अलग अलग होता है, तो वही मैं अपना पूजा वगैरह समाप्त हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए गोभी जो था ना, तो ये मैंने छोले भिजोगो के रखे थे कल शाम को, तो उसके बाद ये रात में ना गोभी भी ला दिए थे, तो अब मेरा छोला वेस्ट होगा तो मैं क्या करती। और ये देखिए ये यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जो फूल होता है ना, तो ये काफ़ी टाइम लगाते हैं मंदिर को सजाने में, तो इसलिए मैं अपना पूजा निपटा लेती हूँ, तो उसके बाद ये अपना मतलब भोग और लगा के पूजा कर लेती हूँ, तो ये उसके बाद अपना ये चढ़ा लेते हैं पूजा। और ये देखिए कितने सारे फूल हैं। और यहाँ पे मैं सब्जी काटने बैठ गई हूँ और मेरे छोले हैं ना, मैंने धो के मतलब धोया तो था ही, फिर भी एक बार और धो दिया है और कुकर में उसे उबालने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पे देखिए ये गोभी है ना, 2 गोभी था, तो ये कल शाम को ही लाए थे, तो ये एक ठो ना काफ़ी मेरा एक ठो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब निकल गया था अंदर से, उसमें से बहुत थोड़ा सा निकला था और एक ठो तो समझ लीजिए वेस्ट ही हो गया था, तो एक ही गोभी को मैं यूज में ले आई। तो उसके बाद देखिए मैंने गोभी को काट के पानी में डाल दिया है, फिर इसे कढ़ाई में डाल के कुकर मतलब गैस पे चढ़ा दिया कि थोड़ा सा ये उबल जाएगा। और ये देखिए कितना सारा मेरा निकल गया है, बहुत ज़्यादा कचड़ा निकल गया इसमें, क्योंकि ये पहले जब लाए ना तब मैं ध्यान नहीं दिया था मैंने, नहीं तो उसी टाइम काट लेती ना तो थोड़ा बहुत सही रहता। और उसके बाद देखिए इसमें मतलब छोले तो मैंने उबालने चढ़ा दिए थे और थोड़े से, अब ये दोनों टाइम का ही बन जाएगा तो अब अलग अलग क्या बनाना, तो वो तो इस टाइम पे मैं आलू भी थोड़ा सा छील लेती हूँ और आलू भी डाल दूँगी। और आलू छीलने और काटने के बाद मैंने पानी में डाल के थोड़ा देर भिगो दिया था कि उसका साफ़ हो जाएगा। और इधर मैंने कूड़े भी उठा लिए और लहसुन अदरक जो होता ना वो भी मैंने छील के रख लिया था। और इधर देखिए जब मेरा गोभी बॉयल हो गया ना, तो मैंने उसके पानी निकाल दिया था और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दिया था। और इसमें ना मतलब गोभी चाहे जैसा भी हो, उसे हमें थोड़ा सा उबाल के ही ले काम पे लेना चाहिए, जब से उसकी सब्जी बनाना होता है ना, तो उबाल लेने से क्या है ना, उसमें कीड़े मकोड़े अगर कुछ भी हो ना तो गर्म पानी के जरिए निकल जाएगा। और उसके बाद देखिए मेरा चावल भी हो चुका था और ये दाल भी मैंने चढ़ा दिया था, जब मेरा छोले उबल गए थे ना तो मैंने दाल भी मतलब चढ़ा दिया था। और दाल मेरा हो गया तो मैंने उसमें छौंका लगा दिया, लहसुन और हरी मिर्च और लहसुन और ये मतलब क्या बोलते हैं जीरा, खड़ा जीरा का तो तड़का लगा दिया था। और उसके बाद देखिए ये गोभी मेरा फ्राई हो चुका है,
तो फिर मैंने उसी कढ़ाई में हींग और तेज़पत्ता डाल के और प्याज कट करके रखा था मैंने। तो ये मेरा दोनों मतलब सुबह शाम दोनों समय का हो जाएगा ये सब्जी। तो उसमें मैंने ढेर सारा प्याज ले लिया है और इसके बाद ना प्याज को लाल नहीं करूँगी अभी, इसी में आलू भी डाल दूँगी ताकि दोनों एक इतना ज़्यादा गर्मी है, पसीना देखिए पूरा पीला पड़ गया पूरा गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी देखिए, जैसे लग रहा है चेहरा धो के आई वैसा, इतना गर्मी, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। और अभी देखिए मेरा ये सब्जी है ना, मसाला वगैरह डाल दिया है, सारे मसाले डाल दिए मैंने। और अभी ये जो छोले उबाल के रखे हैं ना, तो वो भी इसी में डाल दूँगी, क्योंकि जब ये कल मैंने जब छोले भिजाए ना तब गोभी नहीं लाए थे, फिर उसके बाद छोले भिजा दिए तो मैंने सोचा शाम को वही बनाऊंगी, लेकिन ये गोभी ला दिए, फिर अब मुझे दोनों मिक्स करके बनाना पड़ेगा नहीं तो बेकार हो जाएंगे, फिर इसीलिए दोनों मिक्स करके ही बना देती हूँ। आलू गोभी तो मैंने फ्राई कर ही लिया है और आलू और प्याज भी डाल दिया है, ये भी मसाले भी डाल दिए। अब बस ये मटर है ना, मैंने ये छोले ना मैंने पहले ही उबाल लिया था कुकर में, काफ़ी गल गया देखिए, पूरा गल गया, अब इसे गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मसाला भून जाए फिर इसमें डाल के मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू मतलब मसाले वगैरह सारे डालने के बाद मैंने ये जो छोले उबाल के रखे थे ना, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जब ये भून गया था ना, ढक ढक के मैंने भुना है ताकि इसमें मुझे ज़्यादा पानी ऐड ना करना पड़े, और थोड़ा सा ही पानी जो छोले के साथ बचा था ना, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैं इधर चली आई थी, तो इधर मेरे कपड़े ना थोड़े से मतलब सुखाया नहीं था मैंने, तो वहाँ पे ये दो चार कपड़े रह गए थे, तो ये यहाँ पे फिर से मैं सुखा देती हूँ। और अभी ना थोड़ा देरी में बारिश हो जाएगा, मौसम अभी अभी होगा मतलब अभी होने का चांसेज है, और अभी थोड़ा सा धूप था तो इसीलिए मैंने सुबह में ही सुखाए थे। और यहाँ पे देखिए बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो सारे कपड़े ना मुझे फिर से उतारना पड़ा, और इस टाइम पे ना मतलब वही 9 के लगभग का ही टाइम था, और ये देखिए बहुत ज़ोर से बारिश हो गई थी, ये देखिए पूरा बारिश कपड़ा, फिर मतलब एक बार तो बाहर सुखाई देती हूँ फिर से बारिश हो जाते, कपड़े उतारने पड़े मुझे सारे कपड़े, फिर मैं घर के अंदर उस रूम में सुखा दिया था मैंने, और फिर इस रूम में चली आती हूँ। तो अभी क्या है ना, मुझे इस सब्ज़ी देखिए, मेरी सब्ज़ी तो दिखाई नहीं, मैंने बारिश होने लगी थी ना तो मैं इसीलिए उधर चली गई, फिर उसके बाद इन लोगों को खाना निकाल देती हूँ। तो ये लोग तो खा के चले गए थे दोनों बेटे, और मैं अब इनका खाना लगा दे रही हूँ। तो यही है दाल चावल और ये सब्जी और ये खीरा। तो ये देखिए ये अभी का डिनर मतलब बना दिया है, और उसके बाद देखिए ये अभी 12 बजे का टाइम है। अभी देखिए फिर से धूप निकल आई, आज सवेरे इतनी बारिश हो रही थी, पहले तो गर्मी था फिर बारिश होने लगी थी, और अभी फिर से धूप निकल आई है, मतलब सवेरे के पसीना से पूरा चेहरा मतलब हो गया था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, उस टाइम 9 बज रहे थे और इस टाइम अभी 11 मतलब 11 नहीं बज रहे हैं, कम से कम 11:30 बज रहे हैं। हाँ ये देखिए, तो अभी मैंने सब खा के चले गए, अब इनको भी मैंने दे दिया है, अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा मेरा फ़िलहाल। तो चलिए मिलती हूँ बाद में आपसे। अभी आए थे ना,
तो ये दाल बड़ा लेके आई थी, मिल गया था कहीं शायद बाजार, अब जाते हैं ना काम से तो कहीं मिल ही जाता है रास्ते में, तो बस वहीं से लेके आ गए थे, तो गरम गरम बन रहा था तो वही लेके आए, तो वही चावल के साथ खाएंगे। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े मैंने इस तरह सुखाए हैं, ये दरवाजे पे, मतलब जहाँ भी मुझे जगह पाए मैंने मिला ना, मैं वहीं सुखा दिया था मैंने कपड़े सारे, और मेरा कोई वैसा जगह नहीं है तो इसीलिए ऐसे ही घर ही में। और अभी देखिए शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे देखिए कितना, मतलब धूप तो थे ही, 12 बजे धूप निकल गया था फिर से, तो अभी देखिए मैं सो के उठी हूँ, और उस थोड़ा देर पहले ना बारिश भी हो रही थी, मतलब वही 11 बजे के पहले ही, तो सारे कपड़े मुझे अंदर ही लेना पड़ा, फिर सारे कपड़े देखे कैसे मैंने सुखाया घर में, पूरा घर ही में सुखा दिया है, और बाहर तो अभी मतलब नहीं हो रहा है, सुबह हो रहा था बारिश, मतलब सुबह से बारिश ही हो रही थी, और अभी थोड़ा बंद है, और सो के उठे ना तो थोड़ा भारी भारी लग रहा है चाय, और अभी चाय बनाऊंगी तो सर ठीक होगा थोड़ा, तो ये बाहर बना जा रहा कुछ इस तरह, अभी धूप निकल गया था तो सारे सो गए थे। देखिए तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय उबल रही है, और मतलब सर में थोड़ा सा दर्द हो गया था, तो इसलिए मतलब बारिश की वजह से घड़ी घड़ी कपड़े अंदर बाहर करने की वजह से ना, और ये देखिए यहाँ पे मैंने बिस्किट ले लिया है और मूढ़ी ले लिया है, और वही चाय के संग पी लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।